सबको जय यीशु। आज हम पास्का का छठवां इतवार मना रहे हैं और आज के तीनों पाठों में हम सुनते हैं प्रभु यीशु के प्यार के विषय के बारे में। आज के तीनों पाठों के ऊपर आज मैं अपने मनन चिंतन आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। आज के इन तीनों सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें उनकी आज्ञाओं के बारे में बताते हैं। उस समय हमें काफी दुख होता है जब हमारे कोई प्रियजन हमसे विदा लेते हैं, उनके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, खुशी के पल हर तरह की भावनाओं से भरे हुए पल, उनकी सभी बातें याद आने लगती है। आज के सुसमाचार में भी हम कुछ ऐसा ही दृश्य देखते हैं। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के साथ समय बिताते हैं, उनको हिम्मत बंधाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। जाते जाते उन्हें महान उपहार देने की प्रतिज्ञा करते हैं, वह उपहार जो शायद प्रभु यीशु की कमी को पूरा कर देगा। वह उपहार और सहायक कोई और नहीं बल्कि प्रभु का आत्मा है। किसी को एक सहायक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कोई व्यक्ति क्योंकि उस सहायक के बिना या तो वह काम अत्यंत कठिन होगा या असंभव होगा, अर्थात प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए एक सहायक भेजने की प्रतिज्ञा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपने शिष्यों को कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं जिसमें सहायक की जरूरत पड़ेगी। प्रभु यीशु भी पिता ईश्वर का कार्य उसकी सहायक की मदद से कर रहे थे और यही सहायक सृष्टि के प्रारंभ से संसार को बचाने के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, अर्थात इस सहायक को ग्रहण करने की यही शर्त है कि हमें ईश्वर को प्यार करना है, प्रभु यीशु को प्यार करना है। सहायक भेजने की यह प्रतिज्ञा ईश्वर को प्यार करने वाले लोगों के लिए है। ईश्वर को प्यार करने का प्रमाण यह है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ईश्वर को प्यार करने का प्रमाण यह है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही हम प्रभु यीशु द्वारा प्रतिज्ञात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के योग्य बन पाएंगे। अयोग्य व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता और इस सहायक के बिना ईश्वर का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। सहायक प्रदान करने का यह उपहार सारे दुनिया के लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए है। उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो प्रभु को प्यार करता है वह सत्य का वह आत्मा हमारे अंदर निवास करेगा। तो हम अपने जीवन में
जीवित प्रभु यीशु को अनुभव कर पाएंगे। प्रभु यीशु हमें प्यार करेंगे और पिता ईश्वर भी हमें प्यार करेंगे। आओ हम प्रभु के उस महान उपहार को ग्रहण करने के लिए अपने आप को सार्थक रूप से तैयार करें। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करें।